हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ डीएसएल। तो चलिए करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक से जानकारियां देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने एक चेक योर नॉलेज क्विज के नाम से, क्विज का पार्ट वन के नाम से एक क्विज अरेंज किया था। बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है, तो उन्हीं के लिए मैं उनके सवालों का आंसर की लेकर के आया हूं। तो जो ये क्विज हुआ था, ये हुआ था साइंस और एसएसटी के मामले का, यानी कि यही दो ही सब्जेक्ट से सवाल पूछे गए थे। तो जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए हम सवाल को डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन इससे भी पहले एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जिन भी बच्चों ने क्विज अटेम्प्ट किया या जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वे भी अगर सवाल के जवाब चुनना चाहते हैं तो वे मुझे लास्ट में, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में उन्होंने जितने सवाल अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ये हमें बताना नहीं भूलेंगे। साथ के साथ थे एक और बात कि अगर आपको कोई सवाल या उसका जो जवाब है वो आपको डाउटफुल लगे या उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी लगे, तो आप उसके मामले में भी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। बाकी इस वीडियो के बारे में कोई भी राय हो आपकी तो वो भी कमेंट बॉक्स में साझा करना जरूर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि इनमें से कौन भोजन का संघटक नहीं है। तो भैया, भोजन का संघटक इनमें से कौन नहीं है? जल है ही, सरसों का तेल है ही, गाय का दूध है ही, पेट्रोल। पेट्रोल भोजन का संघटक नहीं है। भोजन का संघटक दैट मीन्स वैसा चीज जिसका इस्तेमाल भोजन बनाने में न किया जाए, ठीक है। इनमें कौन शाकाहारी जंतु है? तो शाकाहारी जंतु भैया मनुष्य तो है नहीं, कौआ भी है नहीं, शेर तो है ही नहीं, भूल ही जाइए। हाथी जो है ये आपका शाकाहारी जंतु है। विटामिन सी बहुतायत में कहाँ मिलेगा आपको? तो विटामिन सी खट्टे चीजों में मिलेगा, तो नींबू में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। टीकाकरण द्वारा रोका जाता है, तो टीकाकरण द्वारा क्या रोका जा सकता है भाई? तो टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है किसको? क्या पोलियो रोक सकते हैं आप? क्या हेपेटाइटिस रोक सकते हैं आप? क्या चेचक रोक सकते हैं आप? या इनमें से सभी? कौन सा रोक सकते हैं? पोलियो आप रोक सकते हैं, हेपेटाइटिस भी रोक सकते हैं, चेचक भी रोक सकते हैं, या इनमें से सभी? मैं तो यही कहूँगा कि इनमें से सभी, क्योंकि इन सभी के लिए टीके की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल देखेंगे, जीवाणु द्वारा कौन रोग होता है भाई? क्या हैजा होता है, क्या टाइफाइड होता है, क्या क्षय रोग होता है, या इनमें से सभी? जीवाणु के द्वारा आपसे पूछा गया है, तो जीवाणु के द्वारा कौन सा होता है भाई? मुझे तो लगता है इनमें से सभी होना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपने जवाब जरूर बताएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। छठा नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पादप जंतु है? ठीक है ना, सॉरी पादप जंतु नहीं है, पादप तंतु है यहाँ देखेंगे, ठीक है ना, पादप तंतु बोल रहा है। तो पादप तंतु यानी कि जो पेड़ पौधों के से प्राप्त हो हमें, तो पेड़ पौधों से हमें कपास की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं सातवें नंबर प्रश्न पे, धीरे धीरे अपना हम स्पीड बढ़ाएंगे, अभी धीरे धीरे थोड़ा चले, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कोमल पदार्थ है? आपका सातवां नंबर जो सवाल है कहता है निम्नलिखित में कौन कोमल पदार्थ है। तो कोमल पदार्थ में आपका मोमबत्ती हो जाएगा, लोहा, लकड़ी, पत्थर, ये तो हार्ड ही है, कोमल यानी कि सॉफ्ट, ठीक है। और आपका ये जो बोला जाता है हार्ड है ना, कठोर यानी कि हार्ड। आगे बढ़ेंगे, आठ नंबर सवाल पे चलेंगे। आठ नंबर सवाल कहता है कि इनमें कौन सा पदार्थ है जो तन्य है? तन्य मतलब आप ऐसे समझिए कि किसे पीट पीट के लंबा किया जा सकता है। तो भाई मोम को आप कर नहीं सकते हो, मोम को तीर के लंबा कर नहीं पाओगे आप, लकड़ी को पीटने पर ये लंबा होगा नहीं, टूट जाएगा है, फूट जाएगा, खराब हो जाएगा, प्लास्टिक का भी वही हाल है। लेकिन लोहे को आप ना क्या कर सकते हो, तन्य कर सकते हो, खींच के लंबा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नौ नंबर सवाल, निम्नांकित द्रव्यों में कौन मिश्रण नहीं है?
तो निम्नांकित द्रव्यों में कौन सा मिश्रण नहीं है ऐसा आपको बताना है। तो इसमें से मिश्रण ना होने वाला जो चीज है वो है लोहा, क्योंकि मोम लकड़ी, सॉरी मोम लकड़ी ऑप्शन में आपके नहीं है, ये ऊपर वाला ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इनमें से द्रव्यों में से कौन जो है मिश्रण नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो वायु आपका मिश्रण है, साधारण नमक भी आपका मिश्रण है, ठीक है ना, पीतल भी आपका मिश्रण है, लेकिन यहाँ पे जो चीनी होगा ये आपका मिश्रण नहीं है। आगे बोला है कि इनमें कौन विषमांग मिश्रण है, इनमें कौन विषमांग मिश्रण है, तो विषमांग मिश्रण के बारे में बात हो रही है, तो पीतल जो है विषमांग मिश्रण नहीं है, बाकी सभी विषमांग मिश्रण है, पीतल विषमांग मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में किस में नए पदार्थ बनते हैं, निम्नलिखित में से किस में नए पदार्थ बनते हैं, तो पिघलने के दौरान, जमने के दौरान, या घुलने के दौरान, या जलाने के दौरान, तो भाई जलाने के दौरान नए पदार्थ बनते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो सजीवों की संरचनात्मक इकाई के बारे में अगर आपसे बात हो तो इसमें हो जाएगा आपका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर सवाल होगा, कहता है कौन सी क्रिया द्वारा सजीव अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं, कौन सी क्रिया द्वारा जो सजीव हैं अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, तो ये हो जाएगा जनन। सजीवों के बात को उठाए तो उनमें जनन नाम की क्रिया होती है। इनमें कौन वास स्थान के निर्जीव घटक हैं, इनमें से कौन वास स्थान के निर्जीव घटक है, तो निर्जीव घटक की बात करें तो आपकी मिट्टी जो है ये वास स्थान का निर्जीव घटक के रूप में माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि पुष्प का नर जननांग कौन सा कहलाता है, तो 15 का जो होगा पुंकेसर, ये पुष्प का नर जननांग कहलाता है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 16 नंबर की बात करें तो कहता है नर जननांग का भी नाम बतला ही दीजिए, तो नर जननांग हो जाता है वृष्ण, ठीक है। घोंघा में गति होती है किसके माध्यम से, ठीक है, 17 नंबर सवाल है, पूछा है घोंघा में जनन किसके माध्यम से होती है, तो इसमें पेशीय पाद होता है, इसके माध्यम से घोंघा में गति होती है। 18 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है क्या लंबाई का एसआई मात्रक है, इनमें से लंबाई का एसआई मात्रक कौन है, तो 18 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका हो जाएगा मीटर, और यही आपका एसआई मात्रक है, किस चीज का, लंबाई का बात हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाती है इनको हम क्या कहेंगे, तो इनको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिनसे आसानी से पार हो जाए पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जिससे आसानी से पार ना हो अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं हम, ठीक है, और जिससे आर पार दिखे लेकिन साफ साफ ना दिखे, धुंधला दिखे, जैसे रगड़ा हुआ शीशा है, कागज पे गिरा हुआ, जब तेल गिरा हुआ कागज, आर पार तो देख सकते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि क्या है, ऐसा साफ साफ नहीं प्रतीत होता है, वो पारभाषी उसको हम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन विद्युत का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का स्रोत नहीं है, तो विद्युत का स्रोत इनमें से टॉर्च नहीं है, कौन टॉर्च नहीं कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, कहता क्या है कि भाई निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का अचालक है, अचालक के बारे में बात हो रही है, तो माचिस की जो तीली है, या यूं कहिए कि माचिस, ठीक है ना, ये विद्युत का अचालक कहलाता है। अचालक बोलने का मतलब है कुचालक, जिससे विद्युत आर पार ना हो सके, बाकी सभी से होती है भाई, ठीक है ना। और बिजली के बारे में तो एक बात आप सुने ही होंगे बार बार,
है ना, सॉल्ट वाटर इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो वो सेंटेंस है कई मूवी में भी इस्तेमाल में आया है। मैं एक मूवी मुझे एक मूवी भी याद आ रही है, शायद थ्री इडियट में इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? तो चुंबकीय की बात हो रही है तो 22 का ऑप्शन होगा ए नंबर रबड़, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। पृथ्वी पर जल की मात्रा बताना है आपको, तो पृथ्वी पर जल की मात्रा को देखते हुए बताएंगे कि बढ़ रही है, घट रही है, या लगभग स्थिर है, या अनिश्चित है। लगभग भैया स्थिर है, न बढ़ी है न घटी है। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि वायु स्थान छेकती है, छेकती है या घेरती है, है ना, इनमें और इनमें क्या होता है? तो वायु स्थान छेकती है और इनमें क्या होता है? तो भाई द्रव्यमान के बारे में आप पढ़े होंगे कि वायु स्थान छेकती है, इसके साथ साथ इनमें द्रव्यमान होता है। प्लास्टिक से बनी वस्तु, 25 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ वास्तु हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, प्लास्टिक से बनी वस्तु है। तो प्लास्टिक से बनी वस्तु क्या हो सकती है? कुर्सी, खिड़की, रंगीन कागज, एल्यूमिनियम, पन्नी। तो आजकल तो भैया प्लास्टिक की सभी चीज़ें आने लगी हैं, लेकिन आपके बुक में कुर्सी के बारे में जिक्र में होता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। पश्मीना साल क्या है भाई? पश्मीना साल के बारे में बोला जा रहा है कि बनाए जाते हैं किस चीज से? तो पश्मीना साल आपके बनाए जाते हैं कश्मीर में। कहाँ बनाए जाते हैं ऐसा सवाल था, तो आपके कश्मीर में बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इनमें कौन फसलों से संबंधित त्यौहार है? तो फसल से संबंधित त्यौहार आपका ओनम है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 28 नंबर कहता है कि विविधता का अर्थ क्या है? तो विविधता का अर्थ आपको क्या लगता है? तो विविधता का अर्थ होता है भिन्नता, ऑप्शन नंबर डी। पूर्वाग्रह के बारे में इनमें कौन गलत है? पूर्वाग्रह के बारे में इनमें कौन गलत है? तो पूर्वाग्रह के बारे में इनमें से जो गलत है वो है आपका सी नंबर ऑप्शन। कहता है निष्पक्ष जो राय रखी जाती है ये पूर्वाग्रह से पहले गलत है। आगे बात की जाए 30 नंबर सवाल की, कहा गया कि गांव का एक आम आदमी किस काम से जुड़ा होता है? तो गांव का जो एक आम आदमी है वो कहीं ना कहीं आपके खेती से जुड़ा होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय ग्रामीण आबादी में करीब कितने प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं? भारतीय ग्रामीण आबादी में करीब कितने प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करीब करीब 40% मजदूर हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले आवासीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को हम कहते हैं महानगर, क्योंकि भाई एक बहुत बड़ी संख्या है 10 लाख। 33 नंबर सवाल देखेंगे, वर्तमान भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान भारत में महानगरों की संख्या जो है वो है 53। आगे बढ़ेंगे, भारत के समान किस देश में संघात्मक सरकार है? तो संघात्मक सरकार आपका अमेरिका में संघात्मक सरकार है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, साथ के साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि जो सवाल इस प्रश्न इस लिस्ट में दिया गया है, या यूं कहिए इस क्विज में आपसे पूछा गया है, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी पुनः दोबारा आपसे जरूर रूबरू होंगे। अगर ना भी हो तो कम से कम जानकारी के लिए ऐसा सोचिए कि अगर आपको जानकारी हो रही है तो दूसरे को क्यों नहीं। भाई पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो बांटने से ही बढ़ती है, तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करेंगे, दूसरों के साथ बांटेंगे जरूर। अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार का कोई संपर्क करना हो तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, साथ ही साथ हमारा ईमेल आईडी भी यहाँ दिया गया है। बाकी तो आप हमारे चैनल से रूबरू हैं ही, सभी जगह मैं मिल जाऊँगा आपको स्टडी नाउ DSL से। आप यही नाम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ मेरा जहाँ जहाँ अकाउंट है जिस भी नाम से होगा, है ना,
स्टडी नाउ DSL के नाम से जहाँ जहाँ मेरा अकाउंट है सभी जगह आप पहुँच सकते हैं और बेहद आसानी से। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अब थोड़ा स्पीड अपना बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो 35 नंबर सवाल का बात करें तो बताइएगा, 35 नंबर सवाल कहता है कि अमेरिका में औरतों के लिए वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो अमेरिका में वोट देने के लिए औरतों को 1920 में अधिकार प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इनमें कौन पंचायती राज के मध्य स्तर की इकाई है, इनमें कौन पंचायती राज के मध्य स्तर की इकाई है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पंचायत समिति। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, पंचायत समिति के प्रतिनिधियों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो पंचायत समिति के प्रतिनिधियों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बिहार के पंचायती राज्य के चुनाव में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है। तो बिहार के पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण आवंटित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, इनमें किसके प्रधान को मेयर कहते हैं, इसमें से किसके प्रधान को मेयर कहा जाता है। तो नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उन्हें ही हम मेयर कहते हैं। ठीक है, भारत में सबसे पुराना नगर निगम बताएंगे कौन सा होगा, भारत में सबसे पुराना नगर निगम कौन सा होगा। तो भाई चेन्नई इनमें से आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई जो है सबसे पुराना नगर निगम है। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर सवाल देखेंगे, गांव का एक आम आदमी किस तरह के काम में जुड़ा होता है। ठीक है, गांव का एक आम आदमी किस प्रकार के काम में जुड़ा होता है। तो गांव का जो एक आम आदमी है वो खेती के काम में जुड़ा होता है, आपके ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर सवाल, इनमें कौन है नगदी फसल है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईक। आगे बढ़ेंगे, गांवों में खेती के अलावे आजीविका का सबसे लोकप्रिय प्रचलित साधन कौन सा है। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पशुपालन। अगला सवाल देखेंगे, कहता है कृषि के साथ साथ पशुपालन करने को क्या कहा जाता है। तो कृषि के साथ पशुपालन करने को हम मिश्रित कृषि कहते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन करने को क्या कहा जाएगा, तो इसे हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। 45 नंबर सवाल देखेंगे, बिहार में सामान्य प्रकार की फसलें होती हैं। तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। रबी फसल की बुआई कब की जाती है, 46 नंबर सवाल होगा, अक्टूबर नवंबर में। 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है भाई, तो 1 रुपये का नोट आपका जो है वो जारी करता है आपका भारत सरकार। ठीक है, कौन जारी करता है, भारत सरकार। 48 नंबर सवाल देखेंगे, कहता क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो 48 का सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1935 में RBI की स्थापना हुई थी, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें कौन विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम आपका इनमें से मुद्रा है, विनिमय यानी कि लेन देन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्रेता और विक्रेता कहाँ पाए जाएंगे। तो 50 नंबर सवाल का जो जवाब होगा, ये क्रेता और विक्रेता कहाँ मिलेंगे भाई, बाजार में मिलेंगे, बाजार में ही तो खरीदने और बेचने, क्रेता मतलब खरीदार, विक्रेता मतलब खरीदने वाला और विक्रेता मतलब बेचने वाला। आरंभ में किसका इतिहास लिखा जाता है, तो 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका सवाल क्या है, आरंभ में किसका इतिहास लिखा जाता है। तो आरंभ में भाई राजा का इतिहास लिखा जाता था। ठीक है, आरंभ में किसका इतिहास लिखा जाता था, राजा का इतिहास लिखा जाता था। 51 डिस्कस हो गया है, अगला सवाल पर चलेंगे, 52 नंबर सवाल होगा अपना, कहता क्या है 52 नंबर सवाल के, इतिहास जानने के कितने स्रोत हैं। तो इतिहास जानने के केवल और केवल 2 ही स्रोत बताए गए हैं ऐसे तो। चलिए, इनमें कौन एक प्राचीन भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा की नहीं बात कर रही है, प्राचीन भाषा की बात की जा रही है यहाँ पे। तो प्राकृत जो भाषा है इनमें से प्राचीन भाषा है, हिंदी, ब्राह्मी और खरोष्ठी के अपेक्षा में।
सर्वप्रथम मानव ने किस वास्तु से औजार बनाया? वास्तु यहाँ पे हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। तो किससे औजार बनाया है सर्वप्रथम? आपके पत्थर से। आगे बढ़ेंगे, 55 नंबर सवाल होगा, पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि बताइए। तो आग का जलाना जो है ना, ये पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। किसका भाई? तो आग जलाना। आगे बढ़ेंगे, कब्र किससे बनाई जाती है? तो 56 नंबर का जो बात सवाल का जवाब होगा, पत्थर से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? पत्थर से बनाई जाती है, हालांकि अब पत्थर से नहीं बनाई जाती है, ये पहले बनाई जाती थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नगर में कौन रहता था? तो नगर में राजा भी रहते थे, व्यापारी भी रहते थे, मजदूर भी रहते थे, ये सभी रहते थे। आगे बढ़ेंगे, 58 नंबर सवाल होगा, कथा क्या है कि हड़प्पा में मिली अधिकांश मोहर थी, कैसी थी? हड़प्पा में मिली अधिकांश मोहर कैसी थी? तो वो चौकोर थी। कैसी थी? चौकोर थी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या कितनी है भैया? 4 है। आगे बढ़ेंगे, युद्ध किसके लिए नहीं किया जाता है? मवेशी, पुत्र, धन, क्षेत्र। तो भाई युद्ध किसके लिए नहीं किया जाता है? तो युद्ध पुत्र के लिए नहीं किया जाता है, है ना ऐसा भाई। तो हमें इसका सवाल का जवाब थोड़ा गजब लग रहा है, क्योंकि पुत्र के लिए, अगर पुत्र पर कोई अधिकार अपना जमा ले, आधिपत्य जमा ले, तो भाई उसे छुड़ाने के लिए क्यों ना हम युद्ध करेंगे, है ना। तो इस सवाल को थोड़ा सा साइड में रखेंगे, सवाल नंबर 60 को थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। मवेशी के लिए आपको पता ही है कितनी बार युद्ध हो चुकी हैं, है ना। शायद आपके बुक के अनुसार दिया हो, तो बुक में ऐसा ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखिए कि भाई पुत्र, ठीक है, पुत्र के लिए युद्ध नहीं किया जाता था, पहले के बात हो रहा है ना भाई। तो पुराना न बतवा को देखिएगा ना, आगे बढ़िए, है ना। कभी कभी मगहैया लैंग्वेज बहुत मस्त लगता है, हो क्या करें। 61 नंबर सवाल को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, कहता है कौन सा जनपद गणराज्य था? कौन सा जनपद जो था वो गणराज्य था? जनराज्य लिख दिया गया है यहाँ, गणराज्य होगा, ठीक है ना। वज्जी का आप नाम सुने होंगे, ये उस समय गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? 62 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो गौतम बुद्ध से ही याद रखिएगा, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। जल मंदिर कहाँ है? तो जल मंदिर आपका पावापुरी में है। कहाँ है भैया? पावापुरी में है आपका। आगे बढ़ेंगे, 64 नंबर सवाल कहता है चाणक्य कौन था, है ना। चाणक्य के बारे में बात करिए, तो चाणक्य जो थे ये एक ब्राह्मण परिवार से थे, है ना, यानी ब्राह्मण थे। आगे बढ़ेंगे, कहता क्या है कि भाई अशोक जो है कहाँ के सम्राट थे? अशोक कहाँ का सम्राट था? तो 65 नंबर का जिक्र करेंगे, अशोक जो थे वे मगध के सम्राट थे। कहाँ के सम्राट थे? मगध के, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। फिर है ताम्रलिप्ति क्या है? ठीक है, 66 नंबर सवाल देखेंगे, ताम्रलिप्ति क्या है? तो ताम्रलिप्ति जो था एक बंदरगाह हुआ करता था, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। शक जाति भारत में किस दिशा से आई थी? 67 का देखेंगे, शक जो जाति था वो भारत में किस दिशा से आई थी? तो वो भैया उत्तर दिशा से आई थी। आगे देखेंगे, अगला सवाल होगा हमारा, कहता क्या है कि मुवेंदार का अर्थ क्या होगा? तो मुवेंदार का अर्थ होता था मुखिया, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे चलेंगे जल्दी, मुवेंदार का अर्थ आपको पता चल गया ना, मुखिया, क्या? मुखिया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना अगला सवाल क्या कहता है। कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो आपको उज्जैनी के बारे में पता है क्या? उज्जैनी ये थी इनकी दूसरी राजधानी। कुमार गुप्त ने कितने वर्ष तक शासन किया? कुमार गुप्त ने 40 वर्षों तक शासन किया, ऑप्शन नंबर सी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, अगला सवाल कहता है कालिदास प्रमुखतः क्या लिखते थे?
तो कालिदास भैया नाटक लिखते थे आपके, क्या लिखते थे? नाटक, ऑप्शन नंबर ए। गर्भगृह मंदिर में कहाँ स्थित होता है? तो गर्भगृह मंदिर में अंदर में स्थित होता है, न कि स्तंभों में, छत पर, दीवारों में, है ना। आगे, डॉक्टर अलतेकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर अलतेकर का जन्म आपका कहाँ नहीं है, ये तो कब है? हाँ, डॉक्टर अलतेकर का जन्म कब हुआ था ऐसा पूछा गया है। तो डॉक्टर अलतेकर का जन्म हुआ था आपका, कब हुआ था? 1900 नहीं, 1898 में हुआ था। कब हुआ था? 1898, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। डॉक्टर अलतेकर ने कब अवकाश ग्रहण किया? तो भाई डॉक्टर अलतेकर ने 1957 में अवकाश ग्रहण किया। आगे बढ़ेंगे, बुध के बाद सूर्य का सबसे निकट ग्रह बताएंगे। तो बुध के बाद सूर्य का सबसे निकट ग्रह शुक्र होता है। आप याद रखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यही होता है दूरी के हिसाब से। सूर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति के बारे में आपको पता है, ये सूर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर ग्रह कौन है? तो तीसरे नंबर पर अभी मैंने आपको बतलाया पृथ्वी आ जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, याद रखिएगा। 79 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि पृथ्वी का कक्ष कैसा है? तो पृथ्वी का कक्ष अंडाकार है, ठीक है, अंडाकार है। आगे बढ़ेंगे, दिन रात कब बराबर होता है? तो दिन रात मार्च में बराबर होता है। डेट नहीं दिया हुआ था, ना ही डेट पूछा गया है। सम दिवारात्रि कब होती है? तो सम दिवारात्रि 21 मार्च को होती है। सम दिवारात्रि मतलब एक बराबर दिन और रात, तो 21 मार्च को होती है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन का ज्ञान आसानी से किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो पृथ्वी के घूर्णन का ज्ञान ग्लोब के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। एटलस के द्वारा भैया कैसे जानिएगा? एटलस क्या है? एटलस भाई देखिए, एक अलग सी चीज हो जाती है, ठीक है, वो एक मानचित्र के रूप में हम उसे कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, संपूर्ण पृथ्वी को कितने काल क्षेत्रों में बांटा गया है? तो संपूर्ण पृथ्वी को 24 काल क्षेत्रों में बांटा गया है, या काल खंडों में बांटा गया है। आगे देखेंगे, पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? तो पृथ्वी के चार परिमंडल हैं, ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो ये आपको पता ही है, सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा यानी कि एशिया है। आगे बढ़ेंगे, 86 नंबर सवाल देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायु की कितनी परतें हैं? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर वायु की 5 परतें हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, किस स्थल रूप के शीर्ष भाग में चोटियां मिला करती हैं? तो 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्वत के 89 कहिए, हिम नदी या हिमानी, हिम नदी या हिमानी किस स्थल रूप पर मिला करती है? तो हिम नद और हिमानी जो है कहाँ मिला करती है भैया? तो 89 का हो जाएगा, पर्वत के पास मिला करती है, हिम नद या हिमानी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है आपका सवाल कि भैया कौन सा स्थल रूप खनिजों से भरा हुआ है? तो कौन सा स्थल रूप खनिजों से भरा हुआ है? 90 नंबर सवाल होगा, मैदान। मैदान जो है वो खनिजों से भरा हुआ है। आगे देखेंगे, 91 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में कौन भ्रंशोत्थ है? भ्रंशोत्थ पर्वत माना जाता है, निम्न में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत माना जाता है? तो 91 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नीलगिरी। अगला सवाल देखेंगे, कहता है यांगची, यांगची के बारे में कहता है
कि भाई यांगत्से भी इसी नदी को कहा जाता है, यांगची नदी के बारे में कहता है कि भाई इसका मैदान किस देश में स्थित है, तो यांगची नदी आपको चीन में मिलेगा, तो इसका मैदान भी आपको चीन में ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, 93 नंबर का सवाल क्या कहता है, कहता है कि भैया बिहार की सर्व प्रमुख नदी कौन सी है, तो बिहार की सर्व प्रमुख नदी बता दीजिए। 93 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, गंगा के बारे में आपने सुना होगा, तो भाई गंगा जो है ना बिहार के सर्व प्रमुख नदी में से एक मानी जाती है। बिहार में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो 918 स्त्रियों की संख्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसे आप ध्यान रखेंगे, न कि उससे पहले और न ही उसके बाद की जनगणना के बारे में कहा गया। हालांकि वो बात दूसरी है कि 2011 के बाद अभी तक जनगणना न ही हो पाई है। आगे बढ़ेंगे, बिहार में नगरों की संख्या कितनी है, तो बिहार में नगरों की संख्या 199 है। आपका अगला सवाल है, कहता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो शेर शाह का मकबरा आपका हो जाएगा सासाराम में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 97 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है मानचित्र में हरी धरती को किस रंग से दिखाया गया है, भैया धरती हरी है तो इसे हरा हरा दिखाया गया है, और किस रंग से दिखाया जाएगा, हरे रंग से ही तो दिखाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, टॉलमी किस देश का भूगोलवेत्ता था, तो टॉलमी लियोस्टाइट टॉलमी ये मिस्र के थे, ठीक है। एटलस क्या है भैया, तो एटलस क्या है, मानचित्र की पुस्तक होती है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था एटलस के बारे में, मैंने कहा था कि भाई एटलस एक मानचित्र ही होता है, लेकिन मानचित्र के किताब को एटलस कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, घूर्णन करती हुई पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो घूर्णन करती हुई पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ठीक है दोस्तों, ये 100 सवाल मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिए। मुझे आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके कितने सवाल सही हुए, कितने सवाल गलत हुए, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो वो भी हमें बताएंगे। साथ के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर से इसी प्रकार के कोई अगले वीडियो में, कहीं दूसरे वीडियो में, जो कि होगा आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।